हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची डायरी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये है अभी मॉर्निंग का टाइम और मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है टिफ़िन। तो ये जो है पार्थ का टिफ़िन हो गया है पैक और मैंने यहाँ पे जो है बनाई है आलू की सूखी सब्जी उसके लिए और ये स्कूल ले जाने के लिए दो पराठे। तो ज़्यादा करके सुबह सुबह ये पराठे के साथ में सूखी सब्जी लेके जाता है, आलू की हो गई, भिंडी की हो गई, या फिर कभी पनीर का पराठा हो गया और सैंडविच हो गए आलू के पनीर के। और ज़्यादा करके तो ये जो है पराठा सब्जी लेके जाता है और बस उसके साथ में जो है एक कोई भी फ्रूट एप्पल है या आप बनाना दे दो। और बाकी मैगी वगैरह तो बहुत रेयर लेके जाता है, अगर साल में 3-4 बार भी ले जाए तो जो है बहुत बड़ी बात है। तो बस यहाँ पे इसका मैंने लगा दिया है टिफ़िन और उसके बाद में आज मुझे बनाना है ये बंद करेला की सब्जी। तो हमारे यहाँ तो इसे जो है बंद करेला बोला जाता है, आपके यहाँ पता नहीं इसे जो है किस किस मतलब नाम से जाना जाता है क्योंकि इसे कई नाम से जो है लोग बुलाते हैं। तो बस इसको जो है अच्छे से वॉश करके आप कट कर लो और इसमें जो जैसे होते हैं ना परवल के बीच थोड़े से हार, तो वो मैंने जो है हटा दिए हैं। और ये एकदम देसी वाला था जो छोटा छोटा होता है और एक बड़ा वाला भी आता है जो थोड़ा इससे जो है बड़ा होता है साइज़ में और इसकी लेयर एकदम थिन होती है। तो बस वो मैंने कट कर लिया और एक बड़ी सी प्याज कट की है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है मेथी, जीरा और जो है सौंफ का जो पाउडर होता है हल्का सा उसको भून के, तो यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच के करीब वो पाउडर डाला है। और उसके बाद में बस वही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक अपने जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस इसको कर लो अच्छे से मिक्स क्योंकि ये इतने पतले पतले से इनकी लेयर होती है तो ये 10 से 15 मिनट में आपकी आराम से पक जाएगी। और बस इसके साथ में मैं फिर बना दूंगी रोटी। तो जब ये अभी तो ये पक जाएगी 10 से 15 मिनट में और जब ये पक जाए तो आप सबसे लास्ट में जो है इसमें डाल देना थोड़ा सा अमचूर का पाउडर, तो जो थोड़ा इसका खट्टापन है ना तो वो आ जाएगा, तो इससे और जो है मतलब अच्छे लगते हैं ये, टेस्टी लगते हैं। तो बस अभी तो ये पक जाएगा 10 से 15 मिनट में और फिर सबसे लास्ट में मैं डाल दूंगी वही अमचूर का पाउडर। तो बस मैंने यहाँ पर बना ली है रोटी और ये हो गई इसी बंद करेले की सब्जी। तो एक बड़ा सा जो है आप इसमें प्याज डाल लो तो उसके साथ में अच्छा लगता है जो है प्याज और ये बंद करेले की सब्जी। और इसके बाद में मैंने यहाँ पे जो है ये टिफिन तो इसमें जो है दिया है सैलड, तो ये है कम से कम 2 खीरा और ये थोड़ी सी जो है कैरेट। और ये ज़्यादा करके डेली जाती है जो है ऑफिस के लंच बॉक्स में। तो रोटी सब्जी और ये हो गई सैलड और ये हो गया थोड़ा सा दही। और इसके बाद में फिर मैंने बनाया था अरबी के पत्ते की पकौड़ी, आप उसकी जो है सब्जी भी बना सकते हो। तो ये हो गए कम से कम 3-4 दिन लाए हुए, तो नहीं तो फिर ज़्यादा दिन इसे छोड़ दो तो फिर ये पत्ते हो जाते हैं ख़राब। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है आज बनाई है इसके पकौड़ी टाइप की। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ये 8 से 10 ये लहसुन की कली और 1-2 जो है आप मिर्च डाल लो, जितना आप जो है कम तीखा खाते हो अपने अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा जो है इसमें डाल दो अदरक क्योंकि इससे टेस्ट बढ़िया आएगा। और इसको जो है आप बड़ा बड़ा जो है इसमें डाल के, अगर आपके पास ये हो या मिक्सी जार में डाल लो, थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लेना। और मेरे पास धनिया थी तो थोड़ी सी मैंने धनिया ले ली क्योंकि उसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। और आप निकाल लो इसको एक बोल में और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको डालने हैं थोड़े से यही रेगुलर मसाले। तो मैंने यहाँ पे लिए ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अब जो ये स्पून है कम से कम 1 चम्मच, बहुत भर के नहीं, वो थोड़ा सा, नहीं तो फिर बिल्कुल हल्दी हल्दी का टेस्ट हो जाएगा। और थोड़ा सा जो है आप यही 1 स्पून के बराबर डाल दो धनिया पाउडर, और थोड़ा सा अगर आपके पास गरम मसाला हो घर वाला तो वो डाल दो, और थोड़ा सा नमक। और मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस ये 2-3 चीज़ें। और उसके बाद में कोई कोई यहाँ पे जो है चावल का आटा डाल देता है, तो अगर आपको पसंद हो आपके पास हो तो डाल दो, नहीं तो मैंने यहाँ पे कम से कम जो खाने वाला स्पून होता है ना कम, वो 4 से 5 चम्मच और इवन 6 चम्मच डाल दिए ये बेसन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है हमें लगानी है अरबी के पत्ते में बेसन की लेयर, तो कम से कम 5 से 6 चम्मच बेसन यहाँ पे लग जाएगा आराम से। और अरबी के पत्ते होंगे वही 8 से 10 नॉर्मल साइज के, आप मान लो ठीक ठाक। तो इसके बनाने के लिए हमें बना लेना इसका गाढ़ा सा घोल, क्योंकि आप ज़्यादा पतला कर दोगे तो ये फिर जो अरबी के पत्ते में लगाना है तो फिर वो जो है चारों तरफ से बह जाएगा। और इसका जो है तैयार कर लो एक जो है गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट टाइप का, क्योंकि उसके ऊपर हमें लगानी है लेयर इस तरीके से। और बस फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिए हैं ये अरबी के पत्ते, तो एक मैंने यहाँ पे लगाया है सबसे नीचे बड़े साइज़ का ये अरबी का पत्ता, और उसमें आपको इस तरीके से लगा देना है ये बेसन की लेयर।
और उल्टी साइड में मैंने यहाँ पे लगाया है ये बेसन का जो घोल है, ये पेस्ट है। और फिर उसके बाद में आप यहाँ पे तीन चार पत्ते की लेयर लगानी है और उसके ऊपर रख दिया, फिर दूसरा पत्ता और उसके ऊपर फिर जो है बेसन की लेयर। तो इस तरीके से आप कम से कम 3 से 4 पत्ते आप लगा लो तो इनकी एक तैयार हो जाएगी लेयर। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसके दो रोल बनाए हैं इस तरीके से, एक तो ये बन के तैयार होगा और दूसरा जो है अभी मैं बाद में बनाऊंगी। तो बस दो रोल काफ़ी हैं पकौड़ी या जो है इसकी सब्जी बनाने के लिए, बाकी आपके ऊपर जो है डिपेंड है कि कितनी क्वांटिटी आपको बनानी है। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने बना लिए। तो ये पत्ते ऐसे अगर होते ना नॉर्मल तो ये खुल जाते, तो इसके लिए आप जो है कोई भी धागा ले लो और ये राउंड राउंड इसके ऊपर कर दो तो ये खुलेगा नहीं। और बस इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है कढ़ाई, क्योंकि मेरे पास ये कढ़ाई तरीके का जो होता है ना इडली मेकर वो नहीं था, तो ये थी डीप सी कढ़ाई। और उसके ऊपर मैंने डाल दिया पानी और पानी अभी अच्छे से जो है बॉयल हो रहा है, और उसके ऊपर रख दी है ये दूध वाली ये जो नेट होती है वो, और उसके ऊपर से एक ये गोल गोल ये रख दिया बड़ा सा मतलब बोल टाइप का, क्योंकि ये जो है इसमें टच ना हो, नहीं तो इसका ढक्कन है तो फिर वो एकदम प्लेन था ना फ्लैट तो वो टच हो जाता। और ये कम से कम मैंने रखा हुआ इसे 20 से 25 मिनट, जब ये पक रहा था तो एक लो फ्लेम में, तो ये आराम से जो है पक जाएगा। और बस जैसे ठंडा हो जाए आप इसके जो है कट कर लो छोटे छोटे पीस। और ये मैंने जो है रख दिया है यहाँ पे फ्राइंग पैन, और यहाँ पे आपको जो है कर लेना है इनको सैलो फ्राई। तो इसको जो है डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आराम से जो है इतने में इसकी पकौड़ी बन जाएंगी। और जब मुझे लगा ना जब बाद में बन के तैयार हो गई कि अभी भी अगर थोड़ा सा ऑयल कम डालती हूँ तो भी जो है आराम से ये पक जाती। तो बस ये तो हो गई पकौड़ी इस तरीके से। और अगर आपको जो अरबी के पत्ते ही नहीं कि आपको सब्जी बनानी है ग्रेवी वाली, तो जो लहसुन प्याज अदरक और ये वाली हम लोग ग्रेवी तैयार करते हैं ना, तो वो बस अच्छी तरह भून के और पानी नमक डाल के और अच्छे से खौला करके ये पकौड़ी डाल दो, तो ये हमारी बनके तैयार हो जाएगी अरबी की पत्ते वाली जो होती है उसकी ग्रेवी वाली सब्जी। तो आप उस तरीके से आप सब्जी भी बना सकते हो। और बस फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये बनाया था ये अल्कलाइन वाटर, या आप इसे डिटॉक्स जूस भी बोल सकते हो। तो ये है जो है कुछ पुदीना की पत्ती और कुछ है इसमें करी पत्ता और एक है ये खीरा और ये थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, आपको जो एकदम पतली पतली सी इसकी कर लेनी है स्लाइस। और एक ये है नींबू, तो अगर आपको ये नींबू लग रहा है कि एक ज़्यादा है तो आप सिर्फ हाफ डालो, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा मतलब हो जाता है। और बस आप ले लो एक कोई सा कांच का जार जो भी आपके पास हो, कांच वाला कोई भी पॉट, क्योंकि नींबू वगैरह है तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है कांच का जो है पॉट यूज किया है। तो बस ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें डाल दो, कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ दो, तो सुबह तक आपका एकदम बढ़िया ये डिटॉक्स जूस बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं आजकल जो है डेली यही बना रही हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे ये हम लोग जो है ये एसिडिक चीज़ें खाते हैं, जैसे रोटी हो गई, कई सारी चीज़ें कि दिन भर वही खाते हैं, तो इसको जो है बैलेंस करने के लिए ये अच्छा है अल्कलाइन वाटर। तो हो गए कम से कम अभी 3, 4 या 5 दिन, तो मैं जो है डेली शाम के टाइम वही 10 से 11 बजे के बीच में ये बना देती हूँ, और सुबह वही 7 बजे या 8 बजे के बीच में आपको ले लेना है खाली पेट। तो कई सारे इसके जो है बेनिफिट हैं। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट के थ्रू आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।